हाय फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय महतो फिटनेस में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप सबको बताने वाला हूं कि मुझे यानी महीने में कितना सैलरी मिलता है, कितना पेमेंट जो है मिलता है, मूल वेतन से लेके एक्स्ट्रा जो भत्ते मिलते हैं, मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना समय गए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम संजय कुमार महतो हुआ, मैं बलियापुर धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। तो बहुत सारे भाई यह कमेंट करते हैं कि सर आपने किस वर्ष ज्वाइनिंग किया था, किस ईयर को ज्वाइनिंग किया था। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो नोटिफिकेशन था 2015 में निकला था और ज्वाइनिंग मेरा हुआ था 2017 में, यानी 2 साल बाद। जैसे कि मैंने अप्लाई किया 2015 में, सारा प्रक्रिया एग्ज़ाम सब कुछ फिजिकल सारा कुछ प्रक्रिया होते होते जो है 2017 में मेरा मतलब मई 2017 में मैंने ज्वाइनिंग किया था, यानी लगभग मेरे अब 4 साल होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने जिस टाइम ज्वाइनिंग किया था उस टाइम मेरा मूल वेतन 21,700 था। उस टाइम जैसे 21,700 था तो उसमें भी भत्ते मिलते हैं, जैसे कि HRA मिलता है, वो सब अलग से मिलता है, आपको पेमेंट में ही मिलेगा महीने भर, लेकिन जो है एक्स्ट्रा भत्ते मूल वेतन से अलग है। तो जैसा कि मैंने बताया, भत्ते में HRA यानी होम रेंट अलाउंस, उसके बाद फूड अलाउंस, जैसे कि पोली वर्दी के भी पॉलिश करते हैं बूट को, उसका भी सारा जितना है वो एक्स्ट्रा भत्ते यानी पेमेंट में ही आपको महीने में जोड़ के मिलते हैं। तो अगर आपका 21,700 अगर बेसिक पेमेंट है तो आपको लगभग 25,000-26,000 इस टाइप में आपका महीने में पेमेंट आएगा। तो जैसे कि मुझे 2017 में मैंने जब ज्वाइनिंग किया था उस टाइम मेरा बेसिक पेमेंट था 21,700, लेकिन अभी बढ़कर हो गया है 24,800। तो पहले पेमेंट कम मिलता था, यानी 4 साल के अंतराल में बेसिक पेमेंट भी बढ़ा, तो मेरा पेमेंट भी बढ़ा है। तो फाइनली अभी जो है मुझे कितना मिलता है, तो आप लोग सबको यह डाउट होता होगा कि कितना मिलता है कितना नहीं, आप सोच रहे होंगे। तो मुझे अभी 30+ मिलता है, 30+ अभी फिलहाल प्रेजेंट में मिल रहा है। तो आपको हर साल बढ़ता है, जैसे कि DA महंगाई भत्ता जो है साल में 2 बार बढ़ता है, और इंक्रीमेंट लगता है 1 बार लगता है, यानी साल में जो 2 बार DA लगेगा महंगाई भत्ता, 1 बार इंक्रीमेंट। इसी तरह से आपका जितना आप पुराने होते जाओगे जॉब में, आपका पेमेंट बढ़ते जाएगा, मूल वेतन जो है बढ़ते जाएगा। इसी तरह जो है सभी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट जॉब है इसी तरह का प्रोसेस रहता है, यही सेम प्रोसेस रहता है पेमेंट यानी सैलरी के मैटर में। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ नीचे में रेड कलर में सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब कर दें, उसी के बगल में बेल आइकन होगा प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट जरूर करें, आपको किस चीज़ की अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।